इख्तियार अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है इख्तियार अहमद में आज आप लोगों के साथ हमारा जो सिलसिला है जनरल साइंस एबिलिटी के इम्पोर्टेंट एम सी पार्ट नंबर सिक्स शेयर करूँगा आगाज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन पाइप्स दे आर ऑफिन कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक दिस प्रोसेस इज़ टर्म्ड एज डैश हम जो है uh, हमारे जो लोहे के पाइप्स होते हैं उन्हें जो है जंग से बचाने के लिए जिंक की लेयर की कोटिंग करते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर है सी गेलवनाइजेशन गेलवनाइजेशन के थ्रू जो है हम आयरन पाइप्स को जो है रो वो जो है रस्ट लगने से बचाते हैं क्वेश्चन है द क्रैकिंग साउंड हर्ड वैंड ड्राई हेयर इज़ कॉम्बड विद अ हार्ड रबर कॉम इज़ ड्यू टू डिश जब भी हम हमारे जो सूखे बाल होते हैं उन्हें जब हम आ, कंगा करते हैं तो अक्सर जो है हमें क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है वो किस वजह से होता है तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जो है थोड़े थोड़े छोटे छोटे से जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क्स पैदा होते हैं तो उसकी वजह से जो है ये हमें क्रैकिंग साउंड पैदा होता है क्वेश्चन है डिटर्जेंट्स डिजॉल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ्स बाय डिश ये बताएं कि हम जो डिटर्जेंट्स जो है पानी के अंदर घोल के जो है हम कपड़ों को साफ करते हैं ये किस वजह से होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिड्यूसिंग दी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं जिसकी वजह से जो है हमारे जो है कपड़े जो है साफ हो जाते हैं क्वेश्चन है दी एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स ये बताएं कि जो ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर जो इंक के जो एबजॉर्व हो जाती है किसी भी पेपर के ऊपर वो किस प्रोसेस के तहत होती है इसका करेक्ट आंसर है कैपिलरी एक्शन फिनल कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है जो इंक है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लॉटिंग पेपर पर क्वेश्चन है मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑन देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज ड्यू टू डैश ये बताएं कि जो मटेरियल होते हैं रेन प्रूफ और वाटर प्रूफ वाले जो मटेरियल होते हैं वो वाटर uh, प्रूफिंग की जो प्रॉपर्टीज को किस तरह मेंटेन करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन उनकी जो है सरफेस टेंशन ऐसी होती है उन मटेरियल्स की कि वो जो है वाटरप्रूफ होते हैं जिसकी वजह से जो है बारिश का पानी उनको जो है क्रॉस नहीं कर पाता क्वेश्चन है अ सेटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड हैज डैश एक जो सेटेलाइट है जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो तो उसकी एक्सीलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेरेशन उसकी जो एक्सीेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेरेशन हो जाएगी अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्वेश्चन है फॉर बींग एबल टू सी थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज देश ये बताएं कि अगर हम किसी की थ्री डायमेंशनल पिक्चर देखना चाहते हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा इसका करेक्ट ऑप्शन है डी आई, आई स्टीरियोस्कोप स्टीरियोस्कोप के को इस्तेमाल करके जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्री डायमेंशनली देख सकेंगे किसी भी पिक्चर को थ्री डायमेंशनली देख सकेंगे क्वेश्चन है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट डेश ये बताएं कि पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितने सेंटीग्रेड पर कितने टेम्परेचर पर होती है इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर सेंटीग्रेड पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो हमें फोर सेंटीग्रेड पर मिलती है क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय ये बताएं कि एक्सपांडिंग यूनिवर्स की जो थ्योरी है वो सबसे पहले किसने दी थी इसका करेक्ट ऑप्शन है हबल हबल एक साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है एक्सपांडिंग यूनिवर्स की सबसे पहले थ्योरी दी थी क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट प्योरिटी ऑफ मिल्क ये बताएं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताता है कि एक दूध जो है वो कितना खाली है इसका करेक्ट ऑप्शन है लेक्टोमीटर लेक्टोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है हम जो है दूध के खालिश कितना खालिश है उसको देख सकते उसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन है कूलम इज़ द साइंटिफिक यूनिट टू मेजर ये बताएं कि दिए गए ऑप्शन में से कूलम जो है किसका यूनिट है विलास्टिक टेम्परेचर मास में से तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉन ऑफ दिस क्योंकि कूलम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है क्वेश्चन है हु परपज दिस कंसेप्ट आल मोशन इज़ रिलेटिव ये बताएं कि ये सबसे पहले किसने बताया कि आल मोशन इज रिलेटिव तमाम मोशन जो है रिलेटिव हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया कि आल मोशन इज़ रिलेटिव क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान अल जाहिज वास ये बताएं कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे अबू उस्मान अल जाहिज उनकी जो स्पेशलाइजेशन फील्ड थी वो कौन सी थी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी जोलॉजी जोलॉजी तो जो थी वो मुसलमान जो साइंटिस्ट थे अबू अल अजहेज़ उनकी जो है स्पेशलाइज फील्ड थी क्वेश्चन है अलबरूज इज़ डेश ये बताएं कि अलबरूज क्या है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है असी बर्ड ये एक समंदरी परिंदा है अलबरूस समंदरी परिंदे का नाम है क्वेश्चन है द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ डेस मीटर्स इन दी ओशन ये कि हमारे जो सूरज की रोशनी है वो समंदर की कितनी तेह तक जा सकती है समंदर की कितनी डेप्थ तक जा सकती है इसका करेक्ट ऑप्शन है टू हंड्रेड मीटर्स समंदर की टू हंड्रेड मीटर्स डेप्थ तक जो है सनलाइट रीच कर सकती है क्वेश्चन है द बिगेस्ट प्लानिट इन अवर सोलर सिस्टम इज ये बताएं कि हमारे जो सोलर सिस्टम में जो है सबसे बड़ा प्लानिट कौन सा है इसका करेक्ट ऑप्शन है जुपिटर जुपिटर जो है सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लानिट है क्वेश्चन है द बिगेस्ट स्पेशज ऑफ द केट फैमिली इज देश ये बताएं कि केट फैमिली की सबसे बड़ी जाति कौन सी है इसका करेक्ट ऑप्शन है टाइगर टाइगर जो है केट फैमिली की सबसे बड़ी स्पेशीज है क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स ये बताएं कि किन जानवरों के ग्रुप में जो है हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स होती हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है अर्थफॉम अर्थफॉम में जो है हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स होती हैं क्वेश्चन है द डोमिनेंट फेस ऑफ लाइफ लाइफ साइकिल इन दीन ऑर्गेनिज्म इन दीज ऑर्गेनिज्म इज हड इन ये बताएं कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है किन ऑर्गेनिज्म के जो अंदर जो है डोमिनेंट फेज जो है हैप्लाइड होता है हेप्लाइट का मतलब ये है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह मोसिस मोसिस के अंदर जो है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ डेस ये बताएं कि जो चांद का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना किस पर आ, कंसिस्ट करता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सिक्सटी परसेंट नाइट्रोजन फोर्टी परसेंट इनर्ड गैस जो चांद का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सिक्सटी परसेंट नाइट्रोजन है और फोर्टी परसेंट इनर्ड गैसेज हैं क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ क्वार्स इज ये बताएं कि क्वार्स का जो केमिकल नेम है वो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्स का जो केमिकल नेम है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है क्वेश्चन है विच मंथ ऑफ कैलेंडर एयर कैन ले का न्यू मंथ ये बताएं कि साल का वो कौन सा महीना है जिसके अंदर हो सकता है कि हम चांद को ना देखें या चांद उसमें ना दिखे तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी फरवरी क्योंकि फरवरी के अंदर आपको पता है अट्ठाईस दिन होते हैं और चांद के जो महीने होते हैं उसमें जो है कम से कम उनतीस दिन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तीस दिन होते हैं तो अट्ठाइस दिन के अंदर हो सकता है कि वो चांद हमें नज़र ना आए क्वेश्चन है ड्यूटीरियम डिफर्स फ्राम हाइड्रोजन इन हैविंग ये बताएं कि ड्यूटीरियम जो है हाइड्रोजन से किस तरह मुख्तफ है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक वेट इनका जो है एटॉमिक नंबर तो सेम है ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का बस इनका एटॉमिक मास जो है एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट है क्योंकि ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सोल्युबल विटामिन ये बताएं कि विटामिन ए डी और की में से कौन सा जो है पानी में हल हो जाने वाला विटामिन है तो इसमें से कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो पानी में हल हो जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉन क्वेश्चन uh, है इक्वेटर पासिस थ्रू वन ऑफ दीज कंट्रीज ये बताएं कि इक्वेटर जो है इनमें से कौन सी मुल्क से जो है पास होता है सऊदी अरेबिया इटली जापान तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉन सऊदी अरेबिया इटली और जापान में से इक्वेटर पास कहीं से भी नहीं होता क्वेश्चन है एंटीड्यूरेटिक हारमोन इज सिक्रेटेड बाय वन ऑफ़ फॉलोइंग गलैंड ये बताएं कि एंटीड्यूरेटिक जो हारमोन होता है वो कौन सा गलैंड जो है कौन सा गद्दूद जो है बनाता है इसका करेक्ट ऑप्शन है पिच्यूटरी ग्रैंड पिचुएट्री ग्रेंड जो है एंटी ड्यूरेटिक हारमोन बनाता है आपको ये बताता चलूँ कि एंटी ड्यूरेटिक जो हारमोन होता है वो हमारी किडनी के लिए आ, होता है अगर इसकी मकदार जिसमें ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो यूरिन है कम बनता है और अगर एंटी ड्यूरेटिक हारमोन की मकदार कम हो जाए तो यूरिन ज़्यादा बनने लग जाता है

तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स होती हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं क्वेश्चन है दी अर्थ डेस इज़ डिवाइडेड इनटू फिफ्टीन मेजर प्लेट्स ऑफ वेरियस साइजेस ये बताएं कि हमारे जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें जो है पंद्रह मुख्तफ किस्म की मुख्तलिफ़ की जो है प्लेट्स पर वो मुश्तमिल है इसका जो करेक्ट आंसर है वो लिथोस्फीयर हमारी ज़मीन की जो लिथोस्फीयर है आ, वो जो है पंद्रह मेजर प्लेट्स पर मुश्तम है मुख्तलिफ़ साइज़ की क्वेश्चन है वन ऑफ़ दी वन ऑफ दी साइंटिस्ट्स फार्मूलेटेड बेसिक लॉज ऑफ़ ज्योमेट्री ये बताएं कि इनमें से आ, कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिक लॉज़ ऑफ ज्योमेट्री दिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पैथागोरस पेथागोरस ने जो है बेसिक लॉज दिए हैं हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन है फॉसफॉरस इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिकुल्स ये बताएं कि फॉस्फोरस जो है इसेंशियल uh, कंपोनेंट है इनमें से किस का किस मॉलीक्यूल का तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लायर एसिड्स का फॉस्फोरस जो है न्यूक्लायर एसिड्स का इसेंशियल कंपोनेंट है क्वेश्चन है ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड दी सन ये बताएं कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो uh, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गलेलियो गलेली गलेलियो गलेलियो जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि प्लैनेट्स जो हैं सन के इर्द गिर्द घूम सन के अराउंड घूमते हैं क्वेश्चन है एटम इज़ मेड अप ऑफ डेश डिफरेंट काइंड ऑफ सब ऑटोमिक पार्टिकल्स ये बताएँ कि जो एटम होता है उसमें कितने किस्म के सब ऑटोमिक पार्टिकल्स होते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है थ्री आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो ये थ्री सब ऑटोमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर क्वेश्चन है दी अल्फ़ा पार्टिकल्स आर कम्पैक्ट क्लस्टर्स ऑफ डैश ये बताएं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं कम्पैक्ट क्लस्टर्स होते हैं किसका इसका करेक्ट ऑप्शन है टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं क्वेश्चन है दी बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग डैश ये बताएं कि बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो फास्ट मूविंग क्या होते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स जो हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूज मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम एटॉमिक रिएक्टर्स ये बताएं इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि मैक्सिमम अपनी एनर्जी जो है एटॉमिक रिएक्टर से प्रोड्यूस करती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएसए यूएसए वो मुल्क है जो कि मैक्सिमम अपनी एनर्जी एटॉमिक रिएक्टर से प्रोड्यूस करता है क्वेश्चन है द यूनिट टू मेजर द क्वान्टिटी ऑफ ओजोन इन एटमोसफियर इज़ ये बताएं कि ओजोन की मकदार को चेक करने के लिए उसका जो यूनिट है वो क्या है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर uh, है वो डॉपसन डॉपसन जो है यूनिट है ओजोन की जो है क्वांटिटी uh, को चेक करने के लिए क्वेश्चन है दिस दिसवेरिटी ऑफ 2005 थाउजेंड फाइव अर्थक्विक इन पाकिस्तान और रिस्टर स्केल वाज ये बताएं कि रिस्टर स्केल पर जो पाकिस्तान में जलसला पाकिस्तान में जो जलजिला आया था दो में तो वो रिजिटल स्केल पर उसकी सेवेरिटी कितनी थी इसकी जग इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेवन पॉइंट सिक्स रिज स्केल पर उसकी जो रीडिंग थी वो सेवन पॉइंट सिक्स थी क्वेश्चन है गीगर मूलर काउंटर इज़ यूज टू डिटेक्ट डिश ये बताएं कि गीगर मूलर काउंटर जो है किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो आपको बताता चलूँ इसका करेक्ट ऑप्शन है आयोनाइजिंग रेडिएशन गीगर मूलर काउंटर जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डेश ये बताएं कि वैक्यूम ट्यूब जो हैं किस चीज़ से रिप्लेस कर दी गई हैं यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स ट्यूब की जगह अब हम क्या यूज़ करते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं रिप्लेस कर दी गई हैं ट्रांजिस्टर्स के साथ क्वेश्चन है इट इज़ अ सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट ये बताएं कि इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह सल्फर सल्फर जो है सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट है क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज़ कंसर्न विद द अकरेंस ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ये बताएं कि वो माइक्रोबायोलॉजी का कौन सा एरिया है जो कि इंसानी आबादी के अंदर जो है जो बीमारियां पैदा होती हैं उनसे कंसर्न होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एपीडीम्योलॉजी एपीडीमोलॉजी जो है माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि कंसर्न होती है डिजीज़ के साथ ह्यूमन पॉपुलेशन में क्वेश्चन है द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज़ ऑटोमेटिकली नॉन इफ वन नोज द डिश ये बताएं कि किसी भी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ऑटोमेटिकली जान सकते हैं अगर हमें क्या पता हो तो उसका करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर अगर हमें किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता है तो हमें पता है जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्जाइम ये बताएँगे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है इन्जाइम नहीं है इसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्रेटिन टिन जो है इंजाइम नहीं है क्वेश्चन है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ टाइप ऑफ ओ पॉजिटिव बेबी टू हैव अ टाइप ऑफ डेस मदर ये बताएं कि ये इम्पॉसिबल uh, है अगर किसी बच्चे का ओ पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप तो उसकी माँ का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव बच्चे की माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो कभी भी ए ए बी नेगेटिव नहीं हो सकता क्वेश्चन है सीरम इज सीरम इज ब्लड प्लाज्मा माइनस इट्स ये बताएं जो सीरम होता है हम जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो सीरम का जो सीरम होता गया सीरम जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है अगर हम किस चीज़ को माइनस कर दें तो वो सीरम कहलाता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर अगर क्लॉटिंग प्रोटीन्स को आप माइनस कर देंगे जो बचेगा ना वो आपके पास सीरम बचेगा क्वेश्चन है दी ऑटोनिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट्स ऑल दीज एक्सेप्ट ये बताएं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इन सब में मौजूद होता है इसमें से किसी एक में नहीं होता तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्केलीटल मसल्स स्केलीटल मसल्स के साथ जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ नहीं होता क्वेश्चन है द डिमेज टू द डे नर्व को रिजल्ट इन द डिफेक्ट ऑफ द आई मोमेंट ये बताएं कि इसमें से किस नर्व के अंदर अगर डिमेज आ जाए तो हमारी आंखों की मूवमेंट में डिफेक्ट हो सकता है तो उसका जो करेक्ट आंसर आंसर है वो है एबडूसेंस एबडूसेंस नर्व के अंदर अगर डेमेज हो जाए कुछ भी तो हमारी आंखों की मूवमेंट में डिफेक्ट हो सकता है क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन ऑफ द स्पाइनल कोड ये बताएं कि इसमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है स्पाइनल कोड का रीजन नहीं है स्पाइनल कोड का इलाका नहीं है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेल्विक पेल्विक जो है स्पाइनल कोड का हिस्सा नहीं है इसके साथ ही आज की वीडियो का इतना होता है उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी ये वीडियो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़